चैनल कुक विद आरती। तो सर्दी आ गई है और चाय बहुत ही बढ़िया रहती है सर्दी में और बहुत ही हेल्दी भी रहती है। और सबसे ज्यादा जो हेल्दी रहती है वो होती है गुड़ की चाय। और गुड़ की चाय में क्या होता है, हम लोग जब गुड़ की चाय बनाते हैं तो वो फट जाती है, तो उसके रीजंस भी बहुत सारे होते हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और कैसे गुड़ की चाय हमारी फटे ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्टी सी गुड़ की चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप पानी और 1 ही कप लिया है मिल्क। और ये जितना आप पानी लें उतना ही आप मिल्क लें। और ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ गुड़। और ये है 1.5 टीस्पून चाय पत्ती ली है मैंने यहाँ पे। और ये मेरे पास है 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने ग्रेट यानी कि कद्दूकस करके रख लिया है। और ये 4 इलायची ली है और ये है 2 तुलसी के पत्ते। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन और गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसमें हम डाल देते हैं 1 कप पानी और इसको 1 मिनट के लिए हम बॉईल करते हैं। तो लीजिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 टीस्पून चाय की पत्ती और डालेंगे हम इसमें अदरक, ग्रेटेड अदरक। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं तुलसी की पत्ती, तो थोड़ा सा तोड़ के ही मैं डालूंगी इसमें। और डालेंगे हम इलायची, तो यहाँ पे इलायची को मैंने हल्का सा कूट लिया है रफली। और डाल देते हैं गुड़, तो ये गुड़ गया इसके अंदर और इसको हल्का सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं। और इसको अभी हम 2-3 मिनट के लिए ढक के बॉईल करेंगे ताकि इसमें जो इसके फ्लेवर्स, जो भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, तो इसके फ्लेवर्स इसमें निखर के आ जाएं। तो जब तक हमारा उधर चाय खोल रही है तब तक हम दूध को गर्म करेंगे। दूध मेरा ऑलरेडी बॉइल्ड है लेकिन जब हम गुड़ की चाय बना रहे होते हैं तो उसमें गर्म दूध ही डलता है, इसी से हमारी जो चाय है वो फटती नहीं है। और लोगों की चाय इसीलिए फट जाती होगी क्योंकि वो लोग ठंडा दूध डाल देते होंगे। और अभी गैस की फ्लेम हम कर देते हैं हाई पे और इसे हल्का सा हम गरम करेंगे। तो देखिए दूध में हमारे उबाल आने लगा है, तो अब हम चलते हैं अपनी चाय की तरफ। तो लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं और चाय हमारी खोल चुकी है। सो लेट्स चेक इट। ये देखिए क्या बढ़िया इसमें खोल आ रहा है। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे हम हल्के हल्के मिल्क जो कि हमने गरम किया था। तो हल्के हल्के ही ऐड करेंगे, एक साथ सारा नहीं ऐड करेंगे, इसकी वजह से जो हमारी चाय होगी वो फट जाएगी अगर एक साथ हम ऐड कर देंगे। थोड़ा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और अब सारा डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा कलर आ चुका है और इसे अब हम बॉईल होने तक खौलाएंगे। तो ये लीजिए हमारी चाय जो है वो बॉईल हो चुकी है और गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे कर लेंगे, छान लेंगे इसे। चलिए अब अपनी चाय को छान लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही बढ़िया सौंधी सौंधी गुड़ की खुशबू आ रही है। और जैसा मेजरमेंट मैंने बताया है आपको उसी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप चाय के लिए इतना मेजरमेंट लिया था। और ये लीजिए हमारी चाय छन के रेडी हो चुकी है, तो ठंडों में लीजिए गर्मा गर्म गुड़ की चाय का मजा। तो देखा आप लोगों ने, इसीलिए आज से आपके घर में गुड़ की चाय फटना बंद अगर आप इस तरीके से गुड़ की चाय बनाएंगे। और सर्दी में लीजिए गुड़ की चाय का मजा। और फटी बिल्कुल भी नहीं थी ये और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया था इसका। और पूरे घर में इसकी सौंधी सौंधी सी स्मेल फैल गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसीलिए अपने घर पे अगर ट्राई करिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि आपकी चाय कैसी बनी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आ सके। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के संग, तब तक के लिए टाटा बाय।
बाय बाय, थैंक यू।